कि कल सुबह 8 बजे क्या 2004 का पुनरावरण होता दिखाई देगा, या फिर दरअसल जो एग्जिट पोल बता रहे हैं जो कि न सिर्फ सांकेतिक है बल्कि पूरे डायरेक्शन को स्पष्ट करते दिख रहे हैं, वो होता दिखाई देगा। क्योंकि तमाम एग्जिट पोल आज ये कह रहे हैं कि भारत में एक अप्रत्याशित अभूतपूर्व नई सरकार बनने जा रही है और वो नई सरकार मोदी की अगुवाई की सरकार है। यह पंडित नेहरू की सरकार से भी कहीं ज्यादा आगे होगी, और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एग्जिट पोल के आधार पर रुझान सामने दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ वोट शेयर, सीटें, बल्कि उसका जनाधार भी बड़े पैमाने पर बढ़ता दिखाई देगा। आप जरा सोचिए, 60 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है वो एग्जिट पोल के आधार पर जिस तरह से सामने दिख रहा है वो बताता है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में एक बहुत बड़ी आबादी की पहली पसंद बनती दिख रही है। जैसे कि तमाम एग्जिट पोल्स के बीच में CSDS लोक नीति का एक डेटा सामने आया है जो बहुत ही दिलचस्प है, जिसे अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आपको 3 चुनावों के आंकड़े हम सामने रख रहे हैं, साल 2014 के आंकड़े, साल 2019 के आंकड़े और 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े। अब जरा अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिले 31% वोट शेयर, 2019 में तकरीबन 6.4% का वोट शेयर का इजाफा होता है और 37.4% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी को मिलती है 303 सीटें। 2024 में CSDS लोक नीति ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर उसका प्रेडिक्शन है कि 40% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर होना चाहिए खुद अपने आप में, जो कि तकरीबन 2.6% ज्यादा है 2019 से, और अगर आप इसे 2014 से देखें तो 9% का ग्रोथ है 2014 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए। जाहिर सी बात है, जब इसको आप सीटों के आधार पर तब्दील करेंगे तो एक बड़ा भूचाल आपके सामने आएगा, जिस भूचाल को आप एग्जिट पोल के बाद से लगातार देख रहे हैं। यह वो वजह है जिसकी वजह से यह भूचाल आ रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की बात देखिए, कांग्रेस को 2014 में 19.31% वोट शेयर मिला, 2015 में इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, 19.5% वोट शेयर मिला कांग्रेस को। 2024 में कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर रही है, कांग्रेस को तकरीबन 3.5% वोट शेयर का इजाफा हो रहा है, लेकिन इसे 23% ही वोट शेयर मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से 17% कम ऐसा प्रस्तावित है, ऐसा माना जा रहा है CSDS के द्वारा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो दल हैं उनको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों को 2014 में 7.5%, 2019 में 7.5%, लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि 6% ही वोट शेयर मिलेगा। यानी कि यहां से अपने सहयोगी दलों के वोट शेयर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में तब्दील किया है साथ, ये बहुत बड़ी बात है, नोट कीजिएगा इसको। उसके साथ साथ कांग्रेस के गठबंधन ने भी कुछ ऐसा किया है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस के जो गठबंधन सहयोगी हैं 2014 में उनको 5% वोट शेयर मिला, यह बढ़कर 7.5% के आसपास हुआ 2019 में, लेकिन 2024 में कांग्रेस के सहयोगी दलों को 12% वोट शेयर मिलने जा रहा है। हालांकि अगर आप टोटल वोट शेयर कंबाइन करके देखें तो बीजेपी और उसके साथ साथ सहयोगी दलों का 46% वोट शेयर बन रहा है, ऐसा CSDS का प्रेडिक्शन है, और आप देखें 35% वोट शेयर बनता दिखाई दे रहा है कांग्रेस और सहयोगी दलों का मिलाकर 2024 के चुनाव में। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो सीटों का आंकड़ा है यह अपने आप में बड़े पैमाने पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात स्पष्ट मानिए, जब 37.4% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी 2019 में, तो प्रस्तावित 40% वोट शेयर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 320 से 330 सीटों पर आकर रहती है साहब। अगर ये प्रेडिक्शन, अगर ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का टैली कम से कम 330 के आसपास पहुंचना चाहिए। कांग्रेस को भी अपने वोट शेयर में इजाफा मिलेगा, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो CSDS के इस सर्वे में निकल कर आ रही है, कांग्रेस का जो गेन है वो कंसोलिडेटेड गेन नहीं है जैसा कि बीजेपी के पास है। कांग्रेस का गेन तरह तरह के इलाकों में छोटे छोटे मार्जिन में बढ़ा हुआ है,
यानी कि सीट में कन्वर्ट होना, वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट कराने की प्रोपेंसिटी कांग्रेस में बीजेपी के मुकाबले काफी कम होगी। इसलिए वोट शेयर में इजाफा 3.5% होने के बाद भी कांग्रेस के पास सीटों की टैली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दरअसल नुकसान हो सकता है। इसीलिए जैसा कि हमने भी आपको दिखाया था एक आंकड़ा जिसमें कांग्रेस 49 सीट्स पर जा सकती है, कांग्रेस अभी 52 सीट्स पर है, तो हो सकता है कि कांग्रेस बढ़े हुए वोट शेयर के साथ भी, चूंकि वो अपने वोट शेयर को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी सीट्स में, तो उसका टैली जो है वो घट सकता है। लोकनीति सीएसडीएस का ये सर्वे 23 राज्यों में 772 मतदान केंद्रों पर हर चरण के मतदान में किया गया है और उसी के आधार पर 191 लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 20,000 मतदाताओं का यह सर्वे है और यह आंकड़े हमने अभी आपके सामने रखे। ये तो हमने आपके सामने सीएसडीएस के आंकड़े रखे, आइए अब आपके सामने हम एक्सिस माई इंडिया का भी पूरा जो आंकड़ा है वो सामने रखते हैं और उसके आधार पर आप देखेंगे कि क्या स्थिति है। आप देखिए 2014 और 2019 के मुकाबले एक्सिस माई इंडिया भी बीजेपी को 40% वोट शेयर दे रही है और कांग्रेस पार्टी को 21% वोट शेयर दे रही है कि ये एग्जिट पोल के आधार पर वोट शेयर निकल रहा है, यानी कि दोनों पार्टियों का वोट शेयर बढ़ रहा है लेकिन बीजेपी की प्रोपेंसिटी टू विन कहीं ज्यादा बढ़ रही है। इसी के आधार पर सी वोटर का भी हम आपको आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। सी वोटर ने कांग्रेस और बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के आधार पर वोट शेयर प्रस्तुत किया है, तो इसके आधार पर थोड़े आंकड़े तब्दील हो जाते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 38.5% वोट शेयर मिला था, जो कि ऐसा प्रस्तावित है कि 2019 में आके 44.9% हुआ और ये इस बार 45%, यानी कि लगभग उतना ही रहेगा जितना 2019 में था। जहां तक आप इंडिया अलायंस की बात करें तो 23% वोट शेयर था 2014 में, यह बढ़कर 26.8% हो गया 2019 में और यह बढ़कर 40% होता है 2024 में। यानी कि सी वोटर के मुताबिक अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस फाइट में आती है, लेकिन इसके बावजूद 5% का गैप है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में। अब यह 5% सीटों के आधार पर कितना तब्दील होगा यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सभी एग्जिट पोल कुछ यही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सी वोटर ने जो सामने रखा वो हमने आपके सामने रखा। कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो तमाम एग्जिट पोल जिन्होंने पोल परसेंटेज के साथ साथ वोटिंग शेयर का डेटा शेयर किया है, उनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे सकती है। अब आइए आपको टैली की बात दिखा देते हैं एक बार फिर, ताकि इसकी सनद रहे और इसके बाद हम राज्यों पर जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है आज का। तो टैली पूरी क्या बनकर निकल रही है 2024 के एग्जिट पोल की। इंडिया टुडे का जो सर्वे आया उसके आधार पर एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 20 सीट अधिकतम जा सकती है, यानी कि इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार पूर्णतः पूर्ण लोकमत के साथ एनडीए की बनेगी। इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे था 371 टू 401, इंडिया अलायंस के पास 109 से 139 और 28 से 38 सीटें अदर्स के खाते में, यानी कि यहां पर भी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार। न्यूज 24 चाणक्य 400 सीट एनडीए को, 107 इंडिया अलायंस को और 36 अदर्स को, पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए को और 400 पार भी। उसके बाद दो और हम आपके सामने एग्जिट पोल रख रहे हैं। सी वोटर जिसने 353 से 383 का रेंज रखा है इंडिया अलायंस के लिए, माफ कीजिएगा एनडीए अलायंस के लिए, और इंडिया अलायंस के लिए 152 से 182, यानी कि यहां पर भी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स ने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया उसमें 353-368 का रेंज दिया गया है एनडीए के लिए, इंडिया अलायंस के लिए 118 से 133 का रेंज रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए सभी एग्जिट पोल इस बात पर एक मत है कि पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनने जा रही है। यह बात अलग है कि इंडिया गठबंधन ने अपने आंकड़े खुद जारी किए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कम से कम 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है और वो उस आधार पर कह रहे हैं कि ये उनका सर्वे है,
सीट बाय सीट, दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोल बूथ बाय पोल बूथ, इसका आंकड़ा उन्होंने जारी नहीं किया है। जाहिर सी बात है आंकड़ा जब जारी करेंगे तो पता चलेगा, पहले से जारी कर दिया होता अगर इंडिया अलायंस ने अपने 295 के आंकड़े उन्हें कैसे आ रहे हैं, तो इसके बाद टैली हो सकती थी कि क्या ये आंकड़े वही हैं जो मतदाता ने दिए हैं, जो कि कल पता चलेगा, या दरअसल इंडिया अलायंस ओवर कॉन्फिडेंस में है। कुल मिलाकर देखा जाए अभी तक तो यही स्थिति दिख रही है। अब जरा बात करते हैं कास्ट कॉम्बिनेशंस की और धार्मिक आधार पर मतदान किसको कहां मिलता दिखाई दिया। इसमें जो डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को ओबीसी का 58% वोट शेयर मिला है, कांग्रेस गठबंधन को 30% वोट शेयर मिला है, अन्य के खाते में 12%। यानी कि एक बात यहां पर स्पष्ट निकल कर आती है, नॉन यादव ओबीसी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे ही बना रहा जैसे कि वो 2014 और 2019 में बना रहा। यादव वोट बैंक में कम से कम उत्तर प्रदेश में और बिहार में बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 58% ओबीसी वोट मिल रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ साथ माय एक्सिस इंडिया का एक और आकलन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह बात निकल कर आ रही है कि मुसलमानों ने किसको वोट किया और कैसे वोट किया। देखिए, यह मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान वर्ग से उन्हें बड़ा मतदान समर्थन नहीं मिलेगा। जो माई इंडिया एक्सेस सर्वे है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तकरीबन 6% मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है, कांग्रेस गठबंधन को 76% मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है, अन्य के खाते में मुसलमानों ने 18% अपने आधार पर वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को यह जो वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है प्रस्तावित तौर पर, यह 2019 के मुकाबले कम है। यानी कि मुसलमानों ने, मुसलमान वर्ग ने यह बेहतर माना कि वो कांग्रेस गठबंधन या अन्य को वोट दें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, और यह बात पूरे तरीके से स्थापित होती है कम से कम इस एग्जिट पोल के आधार पर। सही आंकड़ा तो हम आपको 4 तारीख को यानी कि कल ही दे पाए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो और भी डिटेल्स निकल कर आते हैं, जैसे कि हम अपर कास्ट वोट्स की बात करते हैं। अपर कास्ट वोट्स आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 के बाद से कंटिन्यूअसली लोकसभा के चुनाव में गए, इस बार क्या स्थिति है? माय इंडिया एक्सिस पोल का जो एग्जिट पोल है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 64% अपर कास्ट वोट्स मिले हैं, कांग्रेस गठबंधन को 24% और अन्य के खाते में 12% अपर कास्ट वोट किया है। यानी कि अपर कास्ट जो है उसकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, और इसकी कई वजहें कही जा सकती हैं। यह पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक रहा है, राम मंदिर निर्माण का इस पूरे समुदाय पर बड़ा असर पड़ा है, और उसके साथ साथ कांग्रेस अभी भी अपनी खोई जमीन अपर कास्ट के बीच में नहीं हासिल कर पा रही है। और कांग्रेस जो 80 के दशक तक अपर कास्ट वोट बैंक का एक बहुत बड़ा ठिकाना हुआ करती थी, आज वहां पर बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट। अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े वैसे ही निकलते हैं जैसे कि कल हम आपको नतीजों के साथ दिखा सकते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अलग सी तस्वीर दिख रही है। अब बात करते हैं उस एम वाई समीकरण की, खास करके एम की, जिसको लेकर एनडीए गठबंधन और उसके साथ साथ कांग्रेस गठबंधन पूरे तरीके से हावी रहने की कोशिश कर रहा है। महिला वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को माय एक्सिस इंडिया के आधार पर यह नतीजे निकले हैं कि 48% महिलाओं का समर्थन हासिल है साथ, यानी कि महिलाओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन बहुत पीछे नहीं है, यह यहां पर नोट करने वाली बात है। 38% महिलाओं का समर्थन कांग्रेस गठबंधन को है, और यह बताता है कि अगर आप 38% कांग्रेस का और अन्य के 14% को जोड़ दीजिए तो महिलाओं ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दूसरे पक्ष को भी बढ़ चढ़ कर मतदान दिया। यह वोट बैंक किस तरीके से कहां कैसे काम करेगा, यह कई तरह से निर्धारित करेगा कि कहां कैसी सीटें आ रही हैं, और इसी वोट बैंक के आधार पर ऐसा प्रतीत तो होता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को यह भरोसा है कि महिला वोट उनको बड़े पैमाने पर मिला है, और यह एक बदले हुए नतीजे को सामने रख सकता है, इसलिए वो 295 के आंकड़े को सामने रख रहे हैं।
लेकिन कल ही पता चल पाएगा कि ये सही है या गलत है।